hello everyone i am anurag sir and today i will explain you all class 9th mathematics lesson number 9 area of parallelogram and triangles basic concept so let's start lesson 9 area of parallelogram and triangles introduction you may recall that the part of plane enclosed by a simple figure is called a planar region corresponding to that figure द मैगनीट्यूड और मेजर ऑफ दिस लेनर रीजन इज़ कॉल्ड इट्स एरिया देखिए इसका मतलब है कि जब आप लाइंस की मदद से एक एनक्लोज फिगर बनाते हो तो उसके अंदर के सरफेस को हम एरिया बोलते हैं वी आर ऑल्सो फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर हम कॉन्ग्रेंट फिगर के कॉन्सेप्ट के साथ भी काफ़ी फेमिलियर हैं इनके बारे में हम जानते हैं आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में ये बात बताई हुई है टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज़ आपके दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं जब उनका शेप और उनका साइज़ दोनों सेम होता है सो इफ़ टू फिगर्स ए एंड बी आर कॉन्ग्रेंट दे मस्ट हैव इक्वल एरियाज हाउ एवर द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन अदर वर्ड्स टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरियाज नीड नाट बी कॉन्ग्रेंट इसका मतलब है कि आपके पास अगर दो फिगर्स हैं ए और बी और वो दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब उनका एरिया भी इक्वल होगा एक दूसरे के लेकिन इस स्टेटमेंट का अपोजिट अगर आप कहेंगे तो वो सही नहीं होगा कहने का मतलब अगर दो फिगर्स जिनका एरिया इक्वल है तो इसका मतलब ये देने कि वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट भी होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इन फ़िगर रेक्टेंगल्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच यू कैन सी इन द डायग्राम दे हैव इक्वल एरियाज़ बट क्लियरली यू कैन सी दैट दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर देखिए दोनों डायग्राम अलग अलग हैं एक स्क्वेयर है और एक रेक्टेंगल दोनों का शेप और साइज एक जैसा नहीं है इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट नहीं है फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैडलर टू फिगर्स आर सेट टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैडलर इफ दे हैव अमन बेस दैट इज साइड एंड दर्डसज और दर्टेक्स अपोजिट टू द कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर लाई ऑन अ लाइन पैरलेट टू द बेस देखिए दो फिगर्स को आप सेम बेस में और सेम पैलेट्स के बीच में कहेंगे अगर उन दोनों डायग्राम में आपका बेस कॉमन होता है और वर्टिस आपके उस कॉमन बेस के अपोजिट होता है इफ़ अ पैरे डिग्राम पी क्यू आर एस अरेक्टेंगल ई एफ जी एच एंड ट्राइंगल एल एम एन आर सो ड्रॉन दैट देर बेस लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन and their other vertices lie on a line ab parallel to it that is cd then the parallelogram the rectangle and the triangle are said to be between the same parallels देखिए इसका मतलब है कि आपका पैरेललोग्राम pqrs रेक्टेंगल efgh और ट्रायंगल lmn जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये तीनों आपके सेम बेस cd में लाई कर रहे हैं और साथ ही साथ इन तीनों के जो वर्टिसेस हैं वो लाई कर रहे हैं ab में और ए बी और सी डी एक दूसरे के पैलर हैं तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि पैलेलीओग्राम रेक्टेंगल और ट्राइंगल ये तीनों ही आपके सेम पैलर्स के बीच में हैं दैट इज़ ए बी एंड सी डी पैलेलियोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैलर्स स्टेटमेंट पैलेलियोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैलर आर इक्वल इन एरिया देखिए आपके जो पैलेलियोग्राम होते हैं अगर वो सेम बेस में लाइक कर रहा है और सेम पैलट्स के बीच में है तो उन पैलेडियोग्राम का एरिया भी एक दूसरे के इक्वल होगा रिमार्क एरिया ऑफ पैलेडियोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी साइड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड एरिया ऑफ पैलेडियोग्राम का फॉर्मूला होता है किसी भी साइड का और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का प्रोडक्ट दैट इज मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैलेडियोग्राम लाई ऑन द सेम बेस देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है इसलिए मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ वंस अगेन इफ़ अ ट्राइंगल एंड अ पेलेडियोग्राम लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरलर्स देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पेलेडियोग्राम इस लाइन का मतलब है कि अगर एक ट्राइंगल और एक पेलेग्राम दोनों सेम बेस में लाई कर रहे हैं और सेम पैरलर्स के बीच में तो जो ट्राइंगल का एरिया है वो पैलेलियोग्राम के आधे एरिया के इक्वल होगा ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरलर्स टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस और इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरलर आर इक्वल इन एरिया अगर दो ट्राइंगल्स हैं आपके और वो सेम बेस और सेम पैरलर्स के बीच में लाई कर रहे हैं तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा नोट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस डी सी इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एटीट्यूड ए एन देखिए ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मगर ध्यान रखिए जिस बेस आपका परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड या फिर हाइट आप बोल सकते हैं ऊंचाई लाई करेगा तो उसी हाइट का यूज़ हम करेंगे पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए इन अदर वर्ड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस और एनी साइड एंड द कॉरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड और हाइट रिमार्क टू ट्राइंगल्स विद सेम बेस और इक्वल बेस एंड इक्वल एरिया विल हैव इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड देखिए इसका मतलब है आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और वो दोनों सेम बेस में लाई कर रहे हैं और उन दोनों का एरिया भी इक्वल है तो उनके एल्टीट्यूड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान रखना है थ्योरम टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरलर ये शायद हमने अभी पहले भी पढ़ा कि दो ट्राइंगल्स अगर आपके सेम बेस में लाई कर रहे हैं और उनका एरिया भी इक्वल है तो वो लोग सेम पैरलर के बीच में भी लाई करेंगे सो so, This was the basic concept of this chapter, and we will meet in the next video with the solution of exercises. Till now, take care, good day.